Rator! Vikram Rator! नाम सुनते ही भूकंप आ गया ना। मैं जानता हूं ये लोग तुम्हारे लिए कितना मायने रखते हैं, इसलिए पहला शिकार तुम ही चुनो। मैं एक मील दूर। अक्षय ने किस वजह से राउडी में काम किया था? क्या भंसाली ने अपना वादा पूरा किया? क्या पार्ट वन में तमिल स्टार विजय ने कैमियो किया था? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म राउडी राठौर के बारे में। अक्की मतलब अक्षय के पास आने वाले समय में भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर वो बड़े पर्दे पर धमाका करने वाले हैं। हाल ही में अक्षय और सोनाक्षी की फिल्म राउडी राठौर को 10 साल पूरे हो गए। अक्षय कुमार को एक वर्सेटाइल एक्टर भी कहा जाता है क्योंकि वो हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लेते हैं। जहां शाहरुख और सलमान खान को हमेशा से रोमांटिक हीरो माना गया, तो वही अक्षय कुमार को खिलाड़ी का तमगा मिला। इसी एक वजह से ये भी है कि अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में कई खिलाड़ी मूवीज में काम किया। ऐसा नहीं है कि शाहरुख और सलमान की फिल्मों में एक्शन नहीं होता, लेकिन अक्षय के एक्शन का लेवल ही कुछ अलग और कुछ बहुत बड़ा होता है। इतना ही नहीं, वो असल जिंदगी में भी सबसे फिट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। यहां तक कि जहां दूसरे सितारे अपने एक्शन सीन्स के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं अक्षय कुमार अपना हर स्टंट खुद करते हैं। इन किरदारों में तो अक्षय हिट थे ही, लेकिन उन्होंने कई एक्शन फिल्में करने के बाद कुछ वक्त का ब्रेक ले लिया था और कॉमेडी फिल्में करने लगे थे। इन फिल्मों से भी एक्टर ने साबित कर दिया था कि वो कॉमेडी के भी उस्ताद है और हर रोल में वो ऑडियंस का मनोरंजन कर सकते हैं। उनकी कॉमेडी मूवी साइन करने के पीछे असली वजह उनके बेटे आरफ थे। अक्षय कुमार ने बताया कि उन्होंने एक्शन फिल्में करना इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि तब उनके बेटे छोटे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्मों का आरएफ पर गलत असर पड़े। इसी वजह से उन्होंने एक्शन फिल्में छोड़ कॉमेडी फिल्में करनी शुरू कर दी थी। साल 2012 में राउडी राठौर फिल्म से एक बार फिर उन्होंने एक्शन फिल्मों में कमबैक किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को साइन करने की वजह भी अक्षय के बेटे आरव ही थे। अक्षय ने उस वक्त दिए इंटरव्यू में बताया था कि आरव बड़ा हो रहा था और उसे मेरा टफ साइड बहुत अच्छा पसंद था। अक्षय कुमार और संजय लीला भंसाली ने साथ में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अक्षय कुमार ने उस दौरान यह ऐलान किया था कि वो पद्मावत की सोलो रिलीज के लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद संजय लीला भंसाली ने कहा था, मैं अक्षय का एहसान कैसे उतारूंगा। तब अक्षय कुमार ने हंसते हुए संजय लीला भंसाली को कहा था कि आप राउडी राठौर पार्ट 2 को प्रोड्यूस कर दीजिएगा। उस वक्त शायद ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन अब संजय लीला भंसाली इस बात को लेकर काफी गंभीर हो गए हैं। जी हाँ, डायरेक्टर ने राउडी राठौर 2 प्रोड्यूस करने की बिल्कुल ठान ली है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी काम हो चुका है। इसे भंसाली के राइटर KV विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। गौरतलब है कि अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी, लेकिन इसका नया भाग पूरी तरह से ओरिजिनल होगा। फिल्म में अक्षय कुमार इंस्पेक्टर विक्रम राठौर का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। दो बार के तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार विनर विजय, जो प्रेजेंट में मुंबई में मुरुगदास की थुपक्की की शूटिंग कर रहे हैं, और इनको डायरेक्टर प्रभुदेवा ने एक्शन एंटरटेनर राउडी के स्ट्रीट एंथम चिंताता में अक्षय कुमार के साथ एक दोस्ताना तरीके के लिए चुना था। प्रभुदेवा तमिल एक्टर, सिंगर और डांसर विजय के लिए एक्साइटेड थे, जिन्हें उन्होंने बहुत सफल पोकीरो में निर्देशित किया था। फिल्म में एक कैमियो करे ये जानने के बाद कि अक्षय गाने का हिस्सा है और विजय, जो कि अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन थे, मौके पर कूद पड़े। विजय कहते हैं, मैं अक्षय कुमार के खिलाड़ी दिनों से ही उनका फैन रहा हूँ। राउडी राठौर के प्रोमो भी बहुत दिलचस्प थे। प्रभुदेवा को बस एक बार मुझसे पूछना था और मैं तुरंत सहमत हो गया। वो बहुत मिलनसार थे और मैं इसे कभी
इस गाने की शूटिंग के मोमेंट्स को भूलूंगा नहीं। अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित राउडी राठौर एक्शन शैली की रूढ़िवादी सीमाओं को तोड़ने का वादा करती है और अब इसीलिए इस फिल्म का ओरिजिनल पार्ट टू भी जल्द ही हमारे सामने आएगा, जिसमें एक्टर अक्षय एक बार फिर से अपना स्वैग और अपनी एक्टिंग से अपने फैंस और अपनी ऑडियंस को लुभाने आने वाले हैं, ताकि राउडी को अगर लोग भूल गए हैं तो उन्हें फिर से याद दिलाया जा सके कि राउडी राठौर कोई भूलने वाली चीज नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।